हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके साथ मैगी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मैगी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, बिल्कुल इजी होता है, हर कोई बना लेता है, बच्चे भी बना लेते हैं और तो और मेरा बेटा भी बना लेता है। लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, कोई कम इंग्रेडिएंट डालता है, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट डाल के बनाता है। तो मैं किस टाइप से बनाती हूँ वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 मैगी के पैकेट लिए हैं, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो, क्योंकि नूडल्स जो है अलग अलग कंपनी के आते हैं, मैगी जो है अलग अलग कंपनी की आती हैं, तो मैंने ये वाली ली है। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज कट कर लिए हैं और 2 ही मैंने टमाटर कट किए हैं, और टमाटर के अंदर ही मैंने 2 छोटी छोटी बिल्कुल हरी मिर्च कट कर ली है। तो हरी मिर्च, ये मतलब सारी चीज़ें जो भी आप सब्ज़ी डालना पसंद करते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मटर भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास मटर नहीं थी, तो बस मेरे पास जो भी सब्ज़ियाँ थी वही डाल रही हूँ मैं। मेरे पास मैं सिर्फ इतनी ही डाल रही हूँ, बाकी क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर सब्ज़ियाँ मैगी में डालकर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर डाल लिया है कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल। तो इसको अच्छे से गर्म होने देना है, क्योंकि कच्चा रह जाता है मस्टर्ड ऑयल, तो फिर स्मेल सी आती है जो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो इसलिए इसको एक बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल जब पूरा धुआं उठने लगे ना, तभी समझना है कि हमारा तेल जो है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। और तभी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है जीरा, और थोड़ी सी डाल दी है बिल्कुल चुटकी भर हींग। तो मर्ज़ी है आपकी, आप हींग ना डालना चाहो तो मत डालना, क्योंकि मैं नाइट के टाइम बना रही थी, तो हींग जो होती है हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है हींग से काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैंने इसलिए डाल दी थी एक चुटकी। तो जब जीरा और हींग चटक गए थे तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है प्याज। तो प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि मैगी में प्याज थोड़ा सा कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा भुना हुआ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर उसकी स्मेल जो है अजीब सी आने लगती है। तो मैं इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनूंगी, थोड़ा सा कच्चा ही रखूँगी। तो मेरा प्याज जो है जितना मुझे लाइट ब्राउन करना था उतना हो चुका है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है टमाटर, और अब इसको अच्छे से हिला देना है टमाटर डालने के बाद। और अब इस स्टेज पर एक दो मिनट चलाने के बाद फिर अब इसमें जाएंगे सारे सूखे मसाले, थोड़े थोड़े। वैसे तो मैगी मसाला भी आता है, लेकिन हम थोड़ा सा तड़का लगाकर बना रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत होती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी ही मैं एक चुटकी भर हल्दी डालूँगी, और एक चुटकी मैं मतलब एक हाफ चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है थोड़ी सी बिल्कुल काली मिर्ची। एक्चुअली क्या होता है, काली मिर्ची मैंने क्यों डाली है, तो मेरे और बेटे को दोनों को ही थोड़ा सा हल्का हल्का सा जुकाम हुआ है, और काली मिर्च गर्म होती है तो बहुत अच्छी रहती है हमारी सेहत के लिए। वैसे भी हमें यूज करनी चाहिए, थोड़ी बहुत खानी चाहिए, बहुत बीमारियां दूर होती हैं इससे, काली मिर्ची को खाने से। तो मैंने सारे मसाले डाल के इनको अच्छे से पका लिया था, और अब मैंने ये देखो, मैंने ये जो पाउच थे इसके मैगी मसाला के, ये एक कटोरी में डाल लिए थे, खाली कर लिए, 3 पाउच, तीनों में अलग अलग आते हैं सभी में, तो मैंने इनको खाली कर लिया था। और अब इस मसाला पकने के बाद इसमें डाल दिया है ये पूरा मैगी मसाला, 3 पाउच, और इनको अब अच्छे से हिलाना है। और देखिए पूरा मसाला जो है तेल छोड़ चुका है बिल्कुल, इसका मतलब हमारा मसाला एकदम से पक चुका है। और इस स्टेज पर हमें डालनी है अपनी मैगी। तो मैंने सारी मैगी को एक अलग उसमें बर्तन में डाल लिया है, तो मैं अब सारी मैगी डाल दूँगी एक साथ ही। और अब क्या करना है, अब पानी डाल लेना है जितना भी, मतलब अंदाज़ा सा लगाकर, मैंने अंदाज़ा ही लगाकर डाला है, जिससे हमारी मैगी जो है आसानी से पक जाए।
इतना तो अंदाज़ा हम हाउसवाइफ को खाना बनाते टाइम हो ही जाता है कि कितने टाइम में हमारी मैगी कितना पानी लेगी, कितने में पक जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं लगता है, थोड़ा ही लगता है। तो मैंने तकरीबन एक गिलास के लगभग ही इसमें पानी डाला था। तो अब इसको हम ढककर, जल्दी ही बन जाएगी, 5 या 7 मिनट में बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी हमारी मैगी। तो मैंने इसको ढक दिया है और देखिए मैगी बनकर एकदम से बिल्कुल रेडी है। ये देखिए सर्व कर ली है, बिल्कुल रेडी है और सच में बहुत डिलीशियस बनी थी, एकदम से टेस्टी बनी थी। तो किस किस को पसंद है, किस किस को खानी है, और ख़ासकर बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो आप सब कैसे बनाते हो, अपनी मतलब अनुभव, अपनी बातें मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो भी न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।